तो उदयपुर हत्याकांड को लेकर सियासी बयानबाजी भी एक तरफ जारी है। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। वहीं सीएम गहलोत का कहना है कि इस केस में पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। देखिए, पर जब एसओजी ने काम हाथ में लिया था तब भी वो गहरे ही जाती। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार की है, वो भी निष्पक्ष जांच करेगी उनको तमाम पहलुओं पर। जांच तो होगी लेकिन जान चलेगी सर, आपकी तमाम सुरक्षा क्यों नीति तमाम जो पहलुओं पर गहराई से जांच करके वो फैसला करेगी। प्रियांगु टाइम्स ऑफ उसी रूप में वो फैसला होगा, जांच पूरी होगी, वो एनआईए खुद करेगी। अब जांच हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे। हमारे लोगों की आदत यह है कि एक्सक्यूजेस बनाए, तो आज अपने कंधों पर तो लेना है, अपने को पिन पॉइंट वो नहीं करना है कि कहाँ से ये शुरू हुई है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसकी वजह अच्छा ये है कि सब पूरी प्रॉब्लम किसी दूसरे के कंधे पर डाल दो। है हमारे गहलोत साहब कर रहे हैं। गहलोत साहब अपने आप को जादूगर कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद भी करते हैं। मुझे लगता है उनकी जादूगरी इसी में है कि हर एक घटना का रिएक्शन वो एक ही तरह से दे सकते हैं। जो कुछ उनकी जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ करके दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करना, अब लगातार इन होती हुई घटनाओं के बाद में देश और प्रदेश की जनता इसको समझ चुकी है। लोग भी समझ रहे हैं कि आप अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।